दोस्तों, मैं टुपाई कर और फिर से आप लोगों को इस वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में मैं इस वक्त अपने गांव मोसोगड़ा गांव में हूँ, जो कि झारखंड में स्थित है और जमशेदपुर से करीबन 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस वीडियो में मैं आप मेरे पीछे में देख सकते हैं, मैं अभी जंगल में हूँ और मैंने सोचा चलिए यहीं से जंगल से ही वीडियो बनाना शुरू कर दूँ। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो गांव के लोग हैं, आदिवासी हो या अन्य कोई भी जो गांव के जंगल के करीब में रहते हैं, वो एक रेसिपी है जिसे बांग्ला में साल मांसो पोड़ा कहते हैं और हिंदी में उसे मीट फ्राई भी कह सकते हैं। वो साल का जो पेड़ होता है उसके छिलके को उसके छिलके को लिया जाता है और मीट को मसाला देकर मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद उस साल के छिलके के अंदर में उस मीट को देने के बाद दोनों तरफ से साल के जो पत्ते हैं उससे उसको ढक दिया जाता है, सेप्टिक कर दिया जाता है ताकि हवा भी ना निकले। और उसके बाद क्या क्या करते हैं इन्हीं से हम जानेंगे, इसलिए हम सीधे जंगल आ चुके हैं। और जंगल में अभी हम साल का जो पेड़ है उसके छिलके भी लेंगे, तो इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या और क्या कहा जाता है उसको और किस तरह उसे बनाना पड़ता है और कितना समय लगता है। तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हम लोग जंगल में तो आ चुके हैं, आप तो देख रहे हैं जंगल में है। आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा जंगल है। हम जंगल में आ चुके हैं और आप लोग तो मीट बहुत बना के खाते हैं कढ़ाई वगैरह में, और कारीगर भी लगाते हैं कि मीट अच्छा लगे, बढ़िया लगे, खाने में टेस्टी रहे। तो ये जो चीज़ हम लोग आपको मीट का बना के हम लोग दिखाएंगे और इसीलिए आए हैं, जो कि हम लोग साल का पेड़ को हम लोग छिलका हम लोग लेके जाएंगे और उसमें किस तरह से बनाएंगे आपको हम लोग घर में दिखाएंगे। तो हम लोग चलते हैं, खास कभी तो दिखाएंगे, हम लोग दिखाएंगे उसको खाने के लिए। तो हम जंगल में आ चुके हैं और मेरे पीछे में आप देख सकते हैं ये बड़ा सा पहाड़ है और इसमें अभी हम एक रेसिपी बनाएंगे घर में। उसके लिए हमें साल पेड़ का छिलका का ज़रूरत है, तो इसलिए हम जंगल आ चुके हैं और जंगल में आ चुके हैं और अभी हम साल के जो छिलके हैं उसको हम लेकर घर जाएंगे और मीट को खरीदेंगे, जो चिकन कहते हैं जिसे, उसको खरीदने के बाद मसाला वसाला क्या क्या करना पड़ता है, किस तरह बनकर तैयार होता है साल मांसो बोड़ा, मतलब पोड़ा, मांसो पोड़ा, साल मांसो पोड़ा। तो चलिए पीछे में वो बहुत ही दूर चले जा चुके हैं, उसके पास पहुंच जाते हैं। चलिए तो हम साल के पेड़ भी ढूंढ रहे हैं और हम पहाड़ के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से मैं आप लोगों को थोड़ा सा नज़ारा दिखा दूँ, कितना सुंदर नज़ारा दिखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं नज़ारा इस पहाड़ के ऊपर से, आप लोगों को जूम कर भी हल्का सा दिखा दूँ, जूम में अच्छा नहीं दिखता है तो मैं काम चलाओ आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। अभी ढूंढ रहा हूँ साल का अच्छा वाला पेड़ ताकि वहाँ से छिलके को ले जाकर घर में उसका बना सकें। दोस्तों, जंगल में हम आ चुके हैं और साल का पेड़ भी मिल चुका है, तो उसका हम अभी छिलके को ले जाएंगे। गर्मी बहुत है और सब कुछ दिखाना था इसलिए पहाड़ में भी आना पड़ा और छिलके को ले जाएंगे, उसके साल के पत्ते को भी ले जाएंगे। और साल का ही पेड़ का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, चिकन पिठा या चिकन बोड़ा को बनाने के लिए या पोड़ा को बनाने के लिए, क्योंकि स्वाद जो है वो खाली सिर्फ आपको साल के पेड़ से ही अच्छा स्वाद मिलेगा, जो कि आप अपने घर में अगर रेसिपी कुछ भी मीट का बनाते हैं, चिकन का रेसिपी बनाते हैं कढ़ाई में, दूसरे किसी में भी, उतना स्वाद नहीं आएगा जितना आपको साल के जो पेड़ है उससे स्वाद मिलता है। इसलिए गांव के जो ज़्यादातर लोग हैं साल के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं, शादी घर में उसका थाली बनाकर उसी में खाना परोसते हैं और पूजा में भी इस्तेमाल किया जाता है। और अभी हम छिलके को ले जाएंगे घर और चिकन को हम खरीदेंगे और उसके बाद मसाला वसाला देकर क्या क्या करना पड़ता है मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो मैं अकेले चुपचाप बैठा हूँ, अभी गर्मी बहुत है, पेड़ के नीचे में है और छिलके, जब तक ये छिलके को काटा जा रहा है अभी,
उसके बाद मैं आप लोगों को और आगे का प्रोसेस दिखाऊंगा। चलिए तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे में ये साल का पेड़ है और इसके छिलके को लिया गया है और अभी हम घर की ओर जा रहे हैं। घर में जाने के बाद मीट जो चिकन है उसके साथ क्या क्या करना पड़ता है और छिलका जो है मैं आप लोगों को दिखा दूं। इसका छिलका को लिया गया है सिर्फ, आप देख सकते हैं ये छिलका है, सिर्फ छिलके को लिया गया है, पेड़ को नहीं लिया गया है ताकि पेड़ बर्बाद ना हो, इसलिए सिर्फ छिलके को लिया गया है, पेड़ को नहीं काटा गया है। और अभी हम घर जा रहे हैं। ये देखिए प्याज दीजिएगा, लहसुन दीजिएगा आधा, मिर्चा और ये आपका जीरा, ये आपका हो गया गरम मसाला और ये हो गया आपका हल्दी। ये चीज़ को हम लोग सब मिला के पीस देगा और हम लोग पाउडर वाला या ये पैकेट वाला मसाला हम लोग नहीं देते हैं और यही चीज़ पीस के हम लोग जो बनाएंगे ना और देखिएगा कि कैसा बन रहा है आप देखिएगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये सब कुछ मसाला बनकर तैयार हो चुका, मैं आप लोगों को करीब से दिखाऊंगा। और ये जो हमारे दो हैं अंकल वो अभी बनाने जा रहे हैं और मसाला मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये मसाला है जो कि पीसा गया है, मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दिया है, और नमक और ये सरसों का तेल, इन चीज़ों से अभी हमारा वो फोड़ा बनेगा, मतलब चलिए देख लेते हैं वो भी। अभी ये सरसों का तेल है जो कि चिकन में डाला जा रहा है, जिसे बंगला में मांसो भी कहते हैं, मीट कहते हैं हिंदी में। सरसों का तेल डालने के बाद वो जो जितने भी कच्चे मसाले हैं उनको इसमें डाला जाता है, आप देख सकते हैं। कोई भी पाउडर वाला मसाला का प्रयोग नहीं किया गया है क्योंकि उसमें स्वाद अच्छा नहीं लगता है, और नमक स्वाद अनुसार, ज़्यादा ना हो नमक। और ये तो नहीं और उसके बाद इसे सब कुछ मिलाया जाता है, ज़्यादा और कुछ नहीं दिया जाता, बस इन तीन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, सरसों का तेल मसाला और ये कच्चा मीट है और नमक है। इनको मिलाने के बाद क्या क्या करना पड़ता है, किस तरह और कितना समय लगता है वो भी हम देखेंगे, इनसे जानेंगे। आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं ये साल का जो छिलका है जो कि हम लोगों ने जंगल से लाया है, हम लोग गए थे जंगल और वहाँ से लाए हैं, ये साल का छिलका है और वो साल का पत्ता। मैं आप लोगों को करीब से भी दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं इस तरह से मीट को साल पत्ते के ऊपर में रखा जा रहा है और उसके नीचे में साल का छिलका है। तो मैं आप लोगों को करीब से दिखा दूँ, ये साल का जो छिलका है उसमें मीट को रखा गया है मसाले को मिला करके, और ये आप देखते हैं, और उसके बाद उसका जो छिलका रहता है दूसरे तरफ का उसे इस तरह से ढका जाता है। इस तरह से ढक लेने के बाद इसको तार से बांधा जाता है क्योंकि इसको अभी चूल्हे में रखा जाएगा अच्छी तरह, ज़्यादा आँच में इसे इस चीज़ को जलाया जाएगा। ये जो छिलका है आप देख सकते हैं इसको ज़्यादा आँच में जलाया जाएगा ताकि जो अंदर में मीट है वो अच्छी तरह से पक जाए और स्वाद जो है वो मीट में चले जाए जितना भी छिलका का है, और इसलिए तार से बांधा जाता है इसको। आप देख सकते हैं किस तरह से बांधा जा रहा है। हाँ देखिए अभी हम दे रहे हैं पकने के लिए, इस तरह से पकाया जाएगा, इसको आँच देना होगा। ये भी कच्चा है और लकड़ी सूखा है, जल रहा है, इसको पूरा जलाना होगा।
और आप देख सकते हैं इसको अभी चूल्हे में रखा गया है और इसे करीबन होने में 20 से 25 से 30 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि इसको चारों ओर ये जो लाइन आप देख सकते हैं इसके अंदर में मीट है, तो सारे जैसे चारों ओर इसको पकाया जाएगा। और कभी क्योंकि लंबे साइड में दिया गया है, ये लंबा है, इसलिए चारों ओर कभी इसको आगे पीछे किया जाएगा ताकि वो अच्छी तरह से पक जाए चारों ओर। और करीबन 25 से 30 मिनट का समय लगेगा और उसके बाद जब पक के तैयार हो जाएगा, जब इसे उतारा जाएगा, उस टाइम में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बस आप थोड़ा से 10 मिनट देखिए पक रहा है, तो इसे पकने में और कुछ समय लगेगा, उसके बाद ये पक कर तैयार हो जाएगा, उसके बाद इसे खोला जाएगा और दिखाएंगे हम आप लोगों को कि ये दिखने में कितना सुंदर होगा और खाने में भी। तो तब तक इंतज़ार करेंगे। और अभी मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये तैयार हो चुका, पक चुकी है और इसे अभी उतारा जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरा अच्छी तरह से जल चुकी है और इसे अभी उतारा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी इस तार को हटाया जा रहा है, हटाने के बाद इसका जो अंदर का नज़ारा है मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, कलर किस तरह का हो चुका है पक करके। अब देख सकते हैं पक कर ये तैयार हो चुकी है और स्वादिष्ट किस तरह का लगेगा, खाने में किस तरह लगेगा, इन्हीं से हम जानेंगे। अब देख सकते हैं गर्म है और धुआं भी निकल रहा है। और इसे अभी थाली में लिया जा रहा है, आप देख सकते हैं गर्म बहुत ही है क्योंकि तुरंत इसे उतारा जा रहा है, उतारा गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग मजे से उस मीट का स्वाद उठा रहे हैं, जो कि साल मांसो, बंगला में साल मांसो पोड़ा भी कह सकते हैं और इंग्लिश में उसे साल चिकन फ्राई भी कहते हैं। और आप देख सकते हैं इसका अभी आनंद उठाया जा रहा है। तो इस तरह से कभी भी खाने का मन करता है इन लोगों को, तो इस तरह से ये लोग जंगल से छिलके लाते हैं साल के और पत्ते ला करके इस तरह से ये लोग कढ़ाई का यूज नहीं करते हैं, कढ़ाई का ये लोग प्रयोग नहीं करते हैं और इसी तरह से ये लोग करते हैं कभी भी खाने का मन करता है। तो अगर आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बगल में बेल की आइकन आएगी उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कर दे वीडियो को, अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि इनको इस वीडियो के बारे में भी उनको भी पता चले। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सवाल करने हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। धन्यवाद।